नेजल कंजेशन एंड होम रेमेडीज। यस दोस्तों, हमें कभी भी प्रॉब्लम होती है, हम ये चाहते हैं कि डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े एंड होम रेमेडीज से हमारा ट्रीटमेंट हो। पर दोस्तों, बात करते हैं आज की वीडियो में। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये दी गई बेल आइकॉन को प्रेस करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारे बहुत बड़ी सारी फैमिली हो और इस फैमिली में आपको ये उपयोगी वीडियोज की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। दोस्तों, नेजल कंजेशन दैट मींस जो नोज जो हमारा गोड ने बनाया है उसके अंदर एक हमारी म्यूकोजा, एक श्लेष्मा झिल्ली जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, सो वो उस जो म्यूकोजा होता है उसका बहुत सारे रोल होते हैं। दोस्तों, जैसे हम जो है सांस लेते हैं उसके अंदर जो है उस बैक्टीरिया है, वायरस है, डस्ट है, इन सबको जो है वो गंदगी जितनी भी है उसको वहीं ट्रैप करना है। अंदर हमारी म्यूकोजा के अंदर आपको ध्यान है तो गोब्लेड सेल्स होती हैं जो क्या है कि जो हमारा बलगम है उसको जो है वो बाहर निकालती है। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अब दोस्तों, इस म्यूकोजा के अंदर इन्फेक्शन से या किसी भी इरिटेशन के कारण अगर स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन होता है, तो उसको नेजल कंजेशन बोला जाता है। अब दोस्तों, नेजल कंजेशन से क्या होता है कि उसमें कंजेशन होता है तो जो हमारा नाक में जो स्पेस बनाया था, क्योंकि वो चारों तरफ से उस कंजेशन के कारण उसमें स्वेलिंग आ जाती है एंड वो स्वेलिंग आ जाती है तो जो हमारे नोज के अंदर जो स्पेस था वो स्पेस रिड्यूस हो जाता है। अब जब स्पेस रिड्यूस हो गया तो हमें सबसे पहले क्या होगा, नेजल ब्लॉकेज, हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। एंड इसके बाद दोस्तों, जो हमारा एक कंजेशन है, इस कंजेशन में जो स्वेलिंग है उसके कारण पानी एक्सेसिव सीक्रेशंस निकलना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम नेजल डिस्चार्ज बोलते हैं। जब ये नेजल ब्लॉकेज और ये नेजल जो डिस्चार्ज जब स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, तो नाक का जो पानी, या तो हम अल्टीमेटली उसको बार बार हम क्लीन करेंगे जिसके कारण यहाँ बहुत बार नोज के अंदर पेन हो जाता है हमारे को, या ये जो नोज का जो सीक्रेशंस है, क्योंकि नोज ऐसे नहीं है, दिखता ऐसे है बट दोस्तों इसका स्लोप थ्रोट में ऐसे है, तो जो हमारा साइनस है और जो हमारा नोज है इसका सीक्रेशंस गले में टपकता है, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में पोस्ट नेजल ड्रिप PND बोलते हैं। एंड लोकल जो पेशेंट जो है बोलता है लेमेन लैंग्वेज में, डॉक्टर साहब गला टपक रहा है, उसके लिए आपको बार बार होकिंग करना होता है, लाइक यो बार बार हम करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि बार बार जब गले में सोर थ्रोट होता है, गले में टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो जाता है, आपको थ्रोट पेन भी स्टार्ट हो जाता है। सो एक प्रॉब्लम दोस्तों आपको स्टार्ट हुई थी नेजल कंजेशन, उसके कारण नेजल ब्लॉकेज हुआ, नेजल सीक्रेशंस हुआ, आपको जो है वो नोज के अंदर पेन हुआ, थ्रोट के अंदर पेन हुआ, एंड वहीं पे आपकी जो कान की जैसे यूस्टिक एंड ट्यूब होती है उसमें भी कंजेशन स्टार्ट हो जाता है, तो आपको ईयर पेन भी होता है। तो एक नेजल कंजेशन के कारण कम से कम 7-8 आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। एंड सालों इसका ट्रीटमेंट नहीं होता दोस्तों, तो हमारा जो नोज है, जो बार बार उसका मैनिपुलेशन के कारण, बार बार यूं करने के कारण यहाँ पे क्या है, निशान आ जाता है, ये बल्की हो जाते हैं, आँख के नीचे जो है वो बार बार यूं करने के कारण डार्क सर्किल्स बन जाते हैं। तो एक प्रॉब्लम है दोस्तों, कॉस्मेटिकली फंक्शनल कितनी पीड़ादायक हो गई। तो सबसे पहले तो अगर ये प्रॉब्लम इनिशियली है आपको, तो कुछ होम रेमेडीज एंड कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से दोस्तों हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं होम रेमेडीज की, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हम बात करते हैं क्या करना चाहिए। दोस्तों, आपको गर्म जो चीज़ें हैं, सूप है, कॉफ़ी है, अदरक की चाय है, हल्दी का दूध आप ले सकते हो, आलोम विलोम आप कर सकते हो, एक्सरसाइज आप कर सकते हो, आपको जो है पार्क में गए, जिम पे गए, घूमने गए, आप मास्क का यूज कर सकते हो। क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों, ठंडी चीज़ें, चिल्ड चीज़ें, कोल्ड चीज़ें, ये आपको अवॉइड करनी चाहिए, स्मोकिंग आपको अवॉइड करनी चाहिए, एंड बहुत ज़्यादा हाईली साउंड का जो एरिया है वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, एंड जहाँ पे पोलन्स होते हैं उस एरिया में बिना मास्क के नहीं जाना चाहिए। घर में आपके जो पेट हैं उनको बेड पे बार बार नहीं आना चाहिए, अगर आपके जो पेट हैं उनको उनका जो है वॉश अच्छे से होना चाहिए, आपके जो बेड शीट पिलो हैं ये बार बार चेंज होने चाहिए, हमारे जो कारपेट हैं, जो हमारा जो कर्टेंस होते हैं उनकी धुलाई प्रॉपर होनी चाहिए, एंड आप रूम में जाने से पहले आपके जो विंडो हैं, गेट हैं, उनको अच्छे से ओपन करना चाहिए। सो
ये वो चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए, ये जो चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए। सो होम रेमेडीज के माध्यम से दोस्तों आप जो है अपनी प्रॉब्लम को इनिशियली काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हो। एंड अगर नहीं ठीक होता तो दोस्तों हमें डॉक्टर के पास जाके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, जिससे आने वाली जो है उसकी प्रॉब्लम नेजल कंजेशन के दुष्परिणाम से बचा जा सके। रिगार्डिंग दोस्तों इसके का आपका क्वेश्चन है, सवाल है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं। डेफिनेटली आई विल रिप्लाई फॉर दैट। थैंक यू।